Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today again we are going to cover a topic for BA English Honours Student Semester 1 Paper 1 Poetry, Lucknow University, an epistle to Dr. Albert Nott written by Alexander Pope. This is the link to the other videos of the same subject. This is a playlist you can access to this while preparing for this exam. This poetry was dedicated by Alexander Pope to Albert Nott. Two of them were very good friends, and this is a satiric poetry written by Pope and addressed to his friend John Albert Nott, a physician as well. And it was first published in 1735, composed in 1734, when Pope learned that Albert Nott was dying because of a terminal disease. पोप ने तब इस पोएट्री को डेडिकेट किया अपने दोस्त को एज अ मेमोरियल ऑफ देयर फ्रेंडशिप। एल्बर्ट नॉट हमेशा अपने दोस्त को समझाया करते थे कि जब तुम क्रिटिसाइज करते हो तो हार्श मत हो, डायरेक्टली नाम मत लो किसी पर्सन का। इट कैन बी इवन बैड फॉर यू, मे बी डिफेमेशन का केस तुम्हारे अगेंस्ट ही ना हो जाए। तो एलेक्जेंडर पोप अपने दोस्त को इस लेटर में समझा रहे हैं कि क्यों वो इतने हार्श होते हैं कुछ लोगों के लिए, जिनको जिनके बारे में अलेक्जेंडर पोप को ऐसा लगता है कि उनके पास राइटिंग टैलेंट नहीं है, बट स्टिल वो लिख रहे हैं। स्पेसिफिकली उन्होंने क्रिटिसाइज किया लॉर्ड मैरी वर्टली मॉन्टेग, जोसेफ एडिसन और लॉर्ड हार्वे को। पोम की शुरुआत होती है एक सर्वेंट के कमांड्स के साथ। अलेक्जेंडर पोप अपने सर्वेंट जॉन को कमांड दे रहे हैं कि दरवाजे बंद कर दो, नहीं तो इतने सारे फ्लैटरर्स हैं जो मेरे पीछे भागते हैं अपनी अपनी पोएट्रीज, अपनी अपनी राइटिंग्स को अप्रूव करवाने के लिए। पोप इज रिलक्टेंट टू एडमिट दैट एस्पायरिंग पोएट सिंस दे बिहेव लाइक डॉग्स। ही रिक्वेस्ट दैट जॉन टाई द डोरबेल एंड ही बिलीव्स दैट पेरिनेसिस एंड बेडलम, ये दो साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन हैं, हिंदी में हम कहें तो पागल खाना। ऐसा लगता है पोप को कि मेरे पीछे इतने लोग भाग रहे हैं कि किसी साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन को खुला छोड़ दिया गया। He discovers the poets holding manuscripts and gazing with fire. अपनी अपनी manuscripts अपने हाथ में papers लेकर आते हैं और चाहते हैं कि मैं किसी भी तरीके की writing को approve कर दूँ, कहूँ वाह ये बहुत अच्छी है। Pope is rarely left alone. Aspiring poets follow him everywhere he goes. They access his home by scaling the wall and bushes. किसी भी तरीके से घर में entry ले लेते हैं। They board his boat and ride in his chariot. And they don't even let him finish praying. चाहे वो पूजा करें, चाहे वो ट्रेवल करें, चाहे वो अपने घर में डिनर करें, लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। और फिर पोप कहते हैं कि am I to blame for all this? No. देखिए कुछ राइटर्स के बारे में कितनी हार्श बात कह रहे हैं हमारे पोप, कि राइटर्स ऐसे हैं जिनमें कुछ भी ब्रेन नहीं है, 8 लाइंस भी 1 साल में नहीं लिख पाते हैं, अगर लिखते भी हैं तो दे लिव ऑन थेफ्ट, चुरा कर लिखते हैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लाइन और बिल्कुल नॉन सेंसिकल विदाउट एनी मीनिंग लिखते। इसके बाद वो एडिसन के बारे में भी बात करते हैं, ऑल्दो एडिसन को प्रेज करते हैं। ही सेज कि एडिसन इज अ नाइस राइटर, इज अ ग्रेट राइटर, एडिसन अकॉर्डिंग टू पोप इज अ जीनियस, ही इज अ गुड राइटर, हिज डिफेक्ट इज, डिफेक्ट पर आते हैं उसके बाद और कहते हैं कि उनका डिफेक्ट है कि फेम उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, फेम उनको इंस्पायर करता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट राइटर, मुझसे बढ़कर कोई भी राइटर नहीं है, आई कैन क्रिटिसाइज एवरीवन बट नो वन हैज गॉट द राइट टू क्रिटिसाइज मी। तो इसी तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे राइटर्स को क्रिटिसाइज, बहुत सारे राइटर्स को अटैक करते हैं पोप, और उसके बाद इवन लॉर्ड हैलिफैक्स की भी बात करते हैं और उनके बारे में कहते हैं कि उनको फ्लैटरिंग बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे सभी लोगों का ग्रुप उनके पास भेज दो जो कि फ्लैटर बड़े इजीली कर सकते हैं, तो दिस लॉर्ड हैलिफैक्स इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। दीज लाइंस अबाउट एडिसन वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर कोर्स। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एपिसल। अ लेटर लाइक लिटरेरी वर्क इज नोन एज एन एपिसल एंड इट इज इंटेंडेड टू बी रेड बोथ बाय द पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस्ड, हमारे केस में एडबर्ट नॉट, और हम रीडर्स तो हैं ही। Pope addressed this letter to Albert Nott. In the letter, he has provided a variety of viewpoints अपने बारे में भी, society के बारे में भी, बाकी writers के बारे में भी। However, all arguments have been made to support the idea that it was his responsibility as a writer to call out impudence and that he was unafraid of strong resistance as long as he was doing so.
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक बहुत अच्छा राइटर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी लोगों में फॉल्ट फाइंड आउट करना इफ देर आर एनी। और एज ए राइटर मैं बिल्कुल भी डरता नहीं हूँ एंड आई एम कम्प्लीटली एडमेंट दैट आई एम फाइन विद ऑल द क्रिटिसिज्म दैट आई हैव एवर रिटन अबाउट एनीवन। I hope this video was fruitful for you. Please do not forget to share and subscribe to the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.